आप अभी जितने साल के भी हो, अब आप अपने समय से थोड़ा पीछे सोचिए कि जब आप स्कूल में थे तब आपको जरूर ये ख्याल आया होगा कि छुट्टी कब होगी, कब प्यून आकर बेल बजाएगा और हम आराम से घर जा सकेंगे। उस समय समय एकदम धीमे रफ्तार से बीत रहा था, कुछ अलग ही दुनिया की भावना थी, ना कोई चिंता और ना ही कोई प्रेशर। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हुए और इस एज में पहुंचे तब आपको जरूर महसूस होता होगा कि समय ने अपना रफ्तार बढ़ा लिया है, कब दिन शुरू होकर खत्म हो जाता है ये बात हमें पता नहीं चलता, कब एक नया साल आकर दूसरा चला आता है ये बात भी हमें पता नहीं चल पाता। इस तरह कब हम इस उम्र से उस उम्र में चले जाएंगे, उस मौत के बिस्तर में लेटे होंगे और फिर एक अनंत गहरी नींद में चले जाएंगे ये बात भी हमें पता नहीं चल पाएगा। दसवीं के बाद तो ऐसी ऐसे, बारहवीं के बाद तो ऐसी ऐसे, ग्रेजुएशन के बाद तो मजा ही मजा है, ये बात बस कहा जाता है। मगर सच्चाई ये है कि जिंदगी को हम जिंदा दिली से जी ही नहीं रहे हैं। ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस और ना जाने क्या कुछ, हमारी जिंदगी इसमें ही उलझ जाती है और जो असली मजा है जिंदगी का वो एक गहरे अंधेरे में खो जाती है। खैर, आखिर क्यों हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें ऐसा महसूस होता है कि समय बहुत तेज गति से बीत रहा है, आखिर क्यों?